हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हेल्दी फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस फूड को खाने से आपके बेबी का वजन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके बेबी को कई अन्य प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे जो कि बेबी के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चलिए फटाफट से इस फूड को बनाना तैयार करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 3 छोटे चम्मच दलिया ले लिया है और 1 छोटा चम्मच लाल मसूर की दाल ले ली है। दोनों चीज़ को पानी से अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। लगभग 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। दाल और दलिया को 1 घंटे भिगोने से दाल और दलिया अच्छे से फूल जाएंगी और जब आप बेबी के लिए फूड बनाकर तैयार करेंगे तो फूड बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों, मैंने बारीक आधी कटी हुई संतरी गाजर ले ली है और आधा टुकड़ा मैंने टमाटर का ले लिया है और मिक्सी ग्राइंडर के जार में इसका एक फाइन सा प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक फाइन सी प्यूरी बनकर तैयार हो गई है, लगभग 1 मीडियम साइज कटोरी के बराबर। फटाफट से इस हेल्दी फूड को बनाना तैयार करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया है। 1 चम्मच घर का बना देसी घी ले लिया है। देसी घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और चुटकी भर बराबर जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को चटकने देंगे और थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे। दोस्तों, बेबी के फूड में हींग ऐड करने से बेबी को फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम इसमें जो दाल और दलिया 1 घंटे भिगो के रखा था उसे ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम आप मीडियम रख लीजिएगा। लगभग 1 मिनट तक दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लीजिएगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे अच्छे से भून चुकी है, 1 मिनट लगभग हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों, जो गाजर और टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार की थी उसे ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे मिनट तक इसे भी दाल और दलिया के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से भूनकर रेडी हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अच्छे से भून चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें 300 ml के करीब पानी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चुटकी भर बराबर नमक ऐड कर लेंगे और चुटकी भर बराबर हल्दी ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों, हम इसमें 20 ग्राम के करीब पनीर ऐड कर देंगे ताकि बेबी को कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाए और बेबी को प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिल जाए। और दोस्तों, पनीर में प्रोटीन और फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि बेबी को बहुत ही फायदेमंद करती है। करछी चलाते हुए पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम आप मीडियम ही रख लीजिएगा और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हुए 5 से 6 सीटी लगभग आने दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 से 6 सीटी लगभग आ चुकी है, फूड भी ठंडा हो गया है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं कि फूड किस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेबी के लिए कितना परफेक्ट फूड बनकर तैयार हुआ है। बस इसे अच्छे से मैश भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने बेबी को सर्व भी कर सकते हो। आप चाहे तो इसको मिक्सी ग्राइंडर में एक फाइन सी प्यूरी भी बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका बेबी 8 महीने से ऊपर है तो आप इस हेल्दी फूड को बेबी को आसानी से दे सकते हो और इस फूड को आप अपने बेबी को लंच और डिनर किसी भी टाइम पर दे सकते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है। इसे खाने से आपके बेबी का वजन बहुत अच्छे से बढ़ेगा और दिन भर में आपका बेबी एनर्जेटिक भी बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने बेबी को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। जो मेरी बेबी है 1 ईयर की कम्प्लीट हो चुकी है, उसी के लिए ये फूड बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, आप इस फूड को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके बेबी को ये फूड बहुत ही पसंद आएगा और बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई फूड रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फूड रेसिपी कैसे लगी और आपने अगर ट्राई की तो आपके बेबी को ये फूड रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।